लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होना है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और ये भी आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले ये बैठक आयोजन होना है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कौन कौन से वे प्रस्ताव रहेंगे जिस पर चर्चा हो सकती है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जिस तरीके से आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक में, क्योंकि ये भी अहम हो सकती है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होना है और उससे पहले ये बैठक होना, तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए ये बैठक अहम मानी जा सकती है। आज देखिए, अगर बात की जाए कैबिनेट की बैठक की मनीषा, तो आज 11 बजे लोकभवन में इस बैठक को आहूत किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, फिर वो चाहे ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, इसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है मनीषा की लगभग 1.5 दर्जन से ऐसे ज्यादा प्रस्ताव है जो आज की बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि चाहे औद्योगिक विकास हो, नगर विकास हो, या आईटी विभाग हो, या चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य हो, इन तमाम विभागों के अलग अलग जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। तो 11 बजे से जब ये बैठक शुरू होगी मनीषा, उसके बाद से अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव है वो मंत्रियों के माध्यम से रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के बाद में उन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए जिस तरह से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनीषा खुद समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसमें किसी प्रकार की कोई चूक या कोई कमी या कोई खामी ना रह जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी समीक्षा करने के साथ में उस पर निगरानी पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनीषा रखे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव होंगे उनको आज मंजूरी मिलती हुई बैठक में नजर आएगी। साफ तौर पर मनीषा अगर बता दे तो जो मुख्य जो बिंदु सामने निकल कर आया सूत्रों के हवाले से, बताया जा रहा है कि जो गन्ना किसान है उनके जो समर्थन मूल्य की जो राशि है उसको बढ़ाने का फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो चीनी मिल जिन्होंने किसानों का जो भुगतान नहीं किया है उन पर भी नकेल कसने के साथ पे उनको निर्देश जारी करने का जो फैसला है वो आज की कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। तो तमाम ये जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, लगभग 1.5 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज जो पटल पर रखे जाएंगे कैबिनेट बैठक के दौरान में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन मिलने के बाद में मनीषा उनको मंजूरी मिलती हुई नजर आई। जी अनिकेत, जिस तरीके से आज कई अहम प्रस्तावों पर जो है चर्चा होगी, तो क्या लगता है जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कोई सौगात आज मिल सकती है, तो क्या शिक्षकों के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए भी इस बैठक में कुछ खास रह सकता है? देखिए मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि औद्योगिक विकास हो, नगर विकास हो, या फिर चिकित्सा शिक्षा हो, या भर्ती चयन बोर्ड जो बनाया गया, शिक्षकों की भर्ती चयन बोर्ड जो गठन किया गया है उसकी बात हो, तो तमाम इन बातों पर इन पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ये मंशा है कि जितने भी गन्ना किसान है उनका जो भुगतान है वो समय पर हो जाए, इसके साथ ही जो समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से तय किया गया है उस समर्थन मूल्य की जो राशि है वो किसानों के खाते तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो साफ तौर पर कहना कि किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और मनीषा मैं बताना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको उस योजना का लाभ देने का जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार का देखने को मिल रहा है, और उसी क्रम में आज की कैबिनेट की बैठक में एक फैसला ये भी लिया जा सकता है कि जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उन्हें साल में 2 बार इस योजना का लाभ देने का जो फैसला है वो आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इसके साथ ही तमाम जो भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए जो तमाम जो प्रस्ताव है वो आज की कैबिनेट की बैठक रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो विभाग है उन विभागों के कई ऐसे प्रस्ताव हैं, फिर वो चाहे विकास कार्यों की बात हो या औद्योगिक विकास क्षेत्रों का
डेवलप करना हो, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे की बात हो, या फिर आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास क्षेत्र डेवलप करना हो, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे आसपास औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना हो, तो इन तमाम जो विभाग है उन विभागों के जो अलग अलग प्रस्ताव उनके जो मंत्री है वो आज की कैबिनेट की बैठक में वो प्रस्ताव रखेंगे और उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के माध्यम उनको मंजूरी मिलती हुई मनीषा नजर आएगी। अनिकेत, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार का भी यही प्रयास है और वही राज्य सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि जो भी योजनाएं चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, तो क्या लगता है ग्रामीण वासियों के लिए भी कुछ इस बैठक में सौगात का पिटारा खुल सकता है? क्योंकि लगातार योजनाओं का सिलसिला, जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चलाई जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। तो साफ तौर पर मनीषा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, लगातार प्रयास यही है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक योजना का लाभ पहुंच पाए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ना शहर है बल्कि ग्रामीण अंचल मुख्यतः उनके उनके केंद्र बिंदु में रहते हैं। और यही कारण है कि जो योजना शुरू की जाती है, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो फिर केंद्र सरकार की योजना हो, वो योजना इसको ध्यान में रखकर ही शुरू की जाती है कि वो योजना आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंच पाए। तो साफ ग्रामीण अंचलों जिस तरह से विकास की राह विकास को रफ्तार देने का जो प्रयास प्रदेश सरकार का देखने को मिल रहा है उसके क्रम में कई महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश सरकार की तरफ से लिए जाते हैं और यकीनन तौर पर जब आज की कैबिनेट की बैठक मनीषा होगी तो साफ तौर पर ग्रामीण अंचलों के लिए भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, उस पर मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि पहले ही प्रदेश सरकार ने मनीषा साफ कर दिया है कि जो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर सड़कों का जो निर्माण कार्य जो कराना है उन सड़कों के निर्माण कार्य के लिए भी जो धनराशि आवंटित प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी, हालांकि वो विधायक निधि के माध्यम से उन सड़कों का निर्माण होगा। तो साफ तौर पर कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों को शहर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या फिर आज क्या खास इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।